डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में उपस्थित माननीय चिकित्सा मंत्री राजस्थान सरकार डॉक्टर रघु शर्मा जी, विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अभिमन्यु कुमार जी, प्रबंध बोर्ड के सभी सदस्यगण, अन्य निकायों के सदस्यगण, कुल सचिव श्रीमती सीमा कविया जी, विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे छात्र छात्राएं तथा अन्य महानुभाव, आप सभी के साथ शामिल होकर मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही। इस अवसर पर आरोग्य के क्षेत्र में काम करने वाले साधक स्वरूप सभी स्नातकों अधिस्नातकों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। दीक्षांत शिक्षा की समाप्ति नहीं है बल्कि जीवन का प्रारंभ है, इसलिए मैं बार बार यह बात दोहराता हूं कि विद्यार्थियों के नए जीवन की शुरुआत है। दीक्षांत समारोह संस्कार का उत्सव दिन है। भारतीय संस्कृति में संस्कार शब्द का अर्थ है शुद्धिकरण। प्राचीन काल में विद्यार्थी जब गुरुओं से गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते थे तो केवल पुस्तकीय ज्ञान ही प्राप्त नहीं करते थे बल्कि जीवन की व्यवहारिक शिक्षा भी प्राप्त करते थे और इसी से मन वाणी और शरीर से उनमें सुधार होता था। तैतरीय उपनिषद में शिक्षा समाप्ति पर आचार्य की दीक्षांत शिक्षा का उल्लेख मिलता है। आज का यह दीक्षांत समारोह महत्वपूर्ण है और इस अवसर पर मैं आज उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों से अपेक्षा करता हूं कि आप समाज की स्वास्थ्य सेवा में अपना अमूल्य योगदान देकर राष्ट्र को सबल और समर्थ बनाएंगे। आप सभी को मैं साधक कहता हूं। साधक संज्ञा इसलिए दे रहा हूं कि आयुर्वेद सहित सभी प्रकार की आयुष चिकित्सा के स्नातकों अधिस्नातकों को अपने अध्ययन के साथ साथ समाज के विभिन्न वर्गों को समान रूप से देखने और उनकी आत्मा की आवाज को सुनने समझने और संवेदनशील बनने की सिद्धि भी प्राप्त करनी है। हमारे संविधान में समानता का अधिकार है। कोई जाति धर्म या वर्ग से छोटा या बड़ा नहीं होता। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि समाज के ऐसे लोग जो महंगी चिकित्सा प्राप्त करने की स्थिति में नहीं होते उन्हें चिकित्सा सुविधाएं प्रभावी रूप में उपलब्ध कराएं। उनको आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। मुझे जानकर प्रसन्नता हुई है कि कोविड-19 महामारी की कठिन परिस्थितियों में मानव जीवन पर आए घातक संकट से जब पूरा विश्व अपने आप को असहाय महसूस कर रहा था, ऐसे समय में परंपरागत भारतीय जीवन शैली और हमारी महान आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति ने बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आयुर्वेद औषधियों के साथ ही इसके अंतर्गत बताए गए प्राकृतिक उपचारों के माध्यम से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और रोग प्रतिरक्षा का निर्माण करने में यह चिकित्सा पद्धति कोविड के विकट दौर में बेहद कारगर रही है। आप सभी तो विषय विशेषज्ञ हैं, अधिक जानते हैं, परंतु मैंने जो थोड़ा बहुत पढ़ा है उसके अनुसार आयुर्वेद से असाध्य रोग के इलाज और कहीं कहीं तो मृतप्राय हो चुके शरीर तक को जिंदा करने का कार्य प्राचीन काल से किया जाता रहा है। हनुमान मृत संजीवनी, सुमरणकरणी और संहारकरणी ही तो लक्ष्मण के लिए लेकर आए थे। महाभारत में भीम की विषपान से मुक्ति आयुर्वेदी औषधि से ही हुई थी। ऐसे और भी प्रसंग हमारी पौराणिक कथाओं में मिलते हैं जिनसे आयुर्वेद का महत्व प्रतिपादित होता है। इस अवसर पर मैं शब्द ब्रह्म पर भी आपसे बात करना चाहता हूं। प्राचीन हमारा जो ज्ञान है उसमें शब्दों का बहुत महत्व रहा है। शब्द को हमारे यहां इसीलिए ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म अर्थात प्रकाश। गुण से गुण ज्ञान को भी
शब्द के अर्थ में ही समझा और ग्रहण किया जाता था। इसीलिए मैं शब्द की बात करते इसके प्रयोग में विशेष सावधानी रखे जाने पर जोर देता हूं। आप सोच रहे होंगे कि आयुर्वेद ने शब्द ब्रह्म की बात में कहां से ले आया। इसलिए बता रहा हूं कि विश्वविद्यालयों में इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि विद्यार्थी जिस ज्ञान को प्राप्त कर रहा है उससे संबंधित शब्दों का अर्थ भी उसे भलीभांति आता है। औषधि शब्द को ही ले, इसका अर्थ ऐसी दवा नहीं है जिससे रोग ठीक हो जाए, यह तो बहुत छोटा सा अर्थ है। औषध का अर्थ है वेदना को दूर करने वाली वस्तु। वेदों में औषध के लिए माता शब्द भी आता है। अब देखिए कितना गहरा अर्थ है। आयुर्वेद में औषध दी जाती है, औषध यानी मां की तरह आपकी वेदना को जो दूर कर देती है। आयुर्वेद बहुत प्राचीन ज्ञान है। सुश्रुत के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि से पहले ही आयुर्वेद के ज्ञान की रचना कर दी थी। सबसे पहले दक्ष प्रजापति ने आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। प्रजापति से बाद में या अश्वनी कुमारों को और उनसे फिर इंद्र ने इस ज्ञान को प्राप्त किया था। अश्वनी कुमार सभी औषधियों के ज्ञाता कहे जाते हैं। कहते हैं कि वैदिक देवताओं की चिकित्सा अश्वनी कुमारों ने ही की थी, इसीलिए अश्वनी कुमार हमारे यहां आरोग्य, दीर्घायु, शक्ति, प्रजा, वनस्पति तथा समृद्ध के प्रदाता माने गए। चरक, सुश्रुत, कश्यप आदि आयुर्वेदीय संहिताओं में आयुर्वेद का संबंध अथर्ववेद से माना गया है। कहीं कहीं इसे ऋग्वेद का भी अंग कहा गया है। ऋषि मुनियों ने चिकित्सा विज्ञान से जुड़ा जो दिव्य ज्ञान अपनी गहरी सूझबूझ से विकसित किया वही आयुर्वेद का बाद में हिस्सा बना। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और कश्यप संहिता अभी भी उपलब्ध है। मैंने कहीं पढ़ा है कि चरक और सुश्रुत संहिता को पूरी तरह से प्राप्त हुई है परंतु कश्यप संहिता खंडित रूप में हमें मिली है। मैं इस अवसर पर विश्वविद्यालय से आग्रह करूंगा कि इन संहिताओं के ज्ञान के आधुनिकीकरण के लिए प्रयास करें। प्रयास किया जाए कि इन संहिताओं में निहित ज्ञान की सामग्री को हिंदी में अनुवादित कर उसे जन सुलभ करवाया जाए। इन संहिताओं में शल्य चिकित्सा, हृदय रोगों तथा शरीर की समस्त व्याधियों के उपचार का उल्लेख है। इनके मन में जाने की जरूरत है। मुझे यह बताया गया है कि कोविड के संकट की घड़ी में आयुर्वेद विश्वविद्यालय द्वारा संक्रमण से बचाव एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से कोरोना योद्धाओं एवं आम जनता के बीच निःशुल्क औषधियां प्रदान की गई हैं। साथ ही जन जागरण में महत्वपूर्ण योगदान किया गया है। यह जानकर भी सुखद लगा है कि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अभिमन्यु कुमार उनकी टीम द्वारा कोविड-19 संक्रमित रोगियों पर किए गए एक शोध अध्ययन को विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख जर्नल में वैश्विक महत्व के कार्य के रूप में स्थान दिया है। यह महत्वपूर्ण है। मैं आयुर्वेद विश्वविद्यालय को इसके लिए बधाई देता हूं। कोविड काल में भी आपके विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन अध्यापन कार्यों को निरंतर जारी रखने और ऑनलाइन 2100 से अधिक वीडियो लेक्चर्स तथा विविध प्रकार की अध्ययन सामग्रियां राजस्थान ही नहीं देश भर के आयुष अध्येताओं को उपलब्ध कराकर आपने उदाहरण प्रस्तुत किया है। कोविड-19 संक्रमण से मुक्त हुए रोगियों के स्वास्थ्य की सार संभाल यौन उपद्रवों की चिकित्सा हेतु विश्वविद्यालय परिसर चिकित्सालय एवं मंगला पुजला स्थित सेटेलाइट चिकित्सालय में 2 संजीवनी पोस्ट कोविड केयर सेंटर स्थापित करने, विश्वविद्यालय से संबद्ध अन्य सभी आयुर्वेद महाविद्यालयों में भी पोस्ट कोविड केयर सेंटर प्रारंभ करने के आपके कदम सराहनीय हैं।
आयुर्वेद से मेरा आरंभ से ही गहरा जुड़ाव रहा है। इस आधार पर आज के इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि आयुर्वेद के चिकित्सीय सिद्धांत प्रकृति और त्रिदोष पर केंद्रित है। इस सिद्धांत के अनुसार हर एक व्यक्ति की अपनी एक विशिष्ट संरचना होती है और यह उपचार और औषधि के लिए अलग अलग प्रतिक्रिया करती है। मैं जानता हूं कि आयुर्वेद प्रकृति से जो चिकित्सकीय ज्ञान विज्ञान है, स्वस्थ जीवन के लिए इसके अंतर्गत प्रकृति के तत्वों और मानव शरीर के त्रिदोषों के बीच एक उचित संतुलन बनाए रखे जाने पर ही अधिक जोर दिया गया है। आयुर्वेद एकमात्र ऐसा स्वास्थ्य विज्ञान है जो सबसे पहले स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य संरक्षण पर जोर देता है ताकि कोई व्यक्ति बीमार ही ना पड़े। मेरा यह मानना है कि आयुर्वेद विश्व की एकमात्र ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें संपूर्ण विश्व समाज के स्वस्थ रहने की कामना की गई है। आयुर्वेद ही नहीं, हमारी सभी प्राचीन संहिताओं का प्रत्येक मंत्र स्वास्थ्य शिक्षा के साथ साथ अच्छा इंसान बनने, अच्छे आचार विचार रखने, पर्यावरण की सुरक्षा एवं उसके प्रति सम्मान की भावना रखने और विश्व शांति के साथ साथ मानव जीवन के कल्याण की बात कहता है। वेदारण्यक उपनिषद का तो मंत्र ही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। इसका अर्थ है कि सभी सुखी होए, सभी रोग मुक्त रहे, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। आयुर्वेद बेहद संपन्न चिकित्सा ज्ञान है, इसलिए आप सभी से मैं आज के इस अवसर पर आह्वान करता हूं कि जो ज्ञान आपके आपने विश्वविद्यालय में पाठ्य पुस्तकों के जरिए प्राप्त किया है उस शिक्षा को जीवन व्यवहार से जोड़े, अपने अर्जित ज्ञान से समाज की अधिक से अधिक सेवा करेंगे, तभी आप अपने आचार्यों की दी गई दीक्षा के ऋण से मुक्त हो पाएंगे। आयुर्वेद में चिकित्सा कार्य के महत्व को प्रतिपादित करते हुए एक सुंदर उक्ति लिखी हुई है, चिकित्सा नास्ति निष्फला, अर्थात चिकित्सा सेवा कभी निष्फल नहीं आती। चिकित्सा कार्य करते हुए चिकित्सक को धन धान्य प्राप्त होता है, यश प्राप्त होता है और गरीब की सेवा करने पर पुण्य भी साथ में प्राप्त होता है। इस बात को अपने जीवन में सदा ध्यान में रखेंगे तो आपका सर्वत्र कल्याण होगा। विश्व के विभिन्न देशों में आयुर्वेद की जड़ी बूटियों पर इस समय महत्वपूर्ण शोध हो रहा है। कैंसर, डायबिटीज जैसी जटिल बीमारियों में यह कारगर पाई गई है और विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी ध्यान इसीलिए भारतीय चिकित्सा की आयुष पद्धतियों पर पिछले कुछ समय के दौरान विशेष रूप से आकृष्ट हुआ है। इसलिए मेरा आयुष पद्धतियों के आप साधकों से आह्वान है कि आज के समय की आवश्यकता को समझते हुए संपूर्ण समर्पण के साथ भारतीय पद्धति से भारतीय समाज को स्वस्थ और सबल बनाने में अपना योगदान दें। इससे भारत विश्व शक्ति बनने के साथ साथ विश्व गुरु बनने में भी समर्थ हो सकेगा। आयुर्वेद और सभी आयुष पद्धतियां भारत के जन जन में लोकप्रिय हैं, किंतु राजस्थान के लिए स्वर्ग के समान है जहां ये सभी पद्धतियां निरंतर फलफूल रही हैं। मुझे बताया गया है कि लगभग 6000 आयुष चिकित्सक राजस्थान की राज्य सेवा में कार्यरत है, यह देश में सर्वाधिक है। देश के द्वितीय एवं अपनी तरह के पहले आयुर्वेद विश्वविद्यालय की राज्य में स्थापना होने के बाद आयुर्वेद और आयुष पद्धतियों के विकास के अवसर बढ़े हैं और शिक्षण व्यवस्था में सुधार हुआ है, परंतु जरूरत इस बात की भी है कि विश्वविद्यालय के माध्यम से आयुर्वेद की पंचकर्म, क्षार कर्म, स्वर्ण प्राशन, योग इत्यादि विधाओं का आधुनिक रूप में भी विकास किया जाए। इस अवसर पर मैं विश्वविद्यालय में आयुर्वेद पर शोध एवं अनुसंधान के अंतर्गत आधुनिक समय संदर्भों में नई औषधियों को विकसित करने और उनका परीक्षण करने के लिए सुनियोजित रणनीति के तहत कार्य करने का भी आह्वान करता हूं। मेरा यह भी मानना है
कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की हमारी पारंपरिक और आधुनिक प्रणालियों के बीच अंतर विषयी संबंधों पर ये विश्वविद्यालय और अन्य शिक्षण संस्थान कार्य करे। मैं अपेक्षा करता हूं कि आपका विश्वविद्यालय देश का श्रेष्ठ शिक्षण और अनुसंधान केंद्र के रूप में अपने आप को स्थापित करे। इसके लिए सभी मिलकर कार्य करें। दीक्षांत समारोह में मैं आयुर्वेद विश्वविद्यालय की उत्तरोत्तर प्रगति की कामना करता हूं और अध्ययन में श्रेष्ठ प्रदर्शन करके स्वर्ण पदक प्राप्त विजेताओं को बधाई देता हूं। आप सभी को भी दीक्षांत समारोह पर बधाई, स्वस्थ कामनाएं, सभी को नव वर्ष की भी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।